हेलो दोस्तों, स्वागत है और एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले अब 3D ग्राफिक्स गेम के बारे में। मतलब इस गेम का जो ग्राफिक्स है वो ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन सारे के सारे गेम यहाँ पे टॉप नॉच है उनके जॉनरा में। और मोस्ट ऑफ द गेम भाई 10 मिलियन से ज़्यादा कॉपी बिक चुकी है और कुछ गेम तो गेम ऑफ द ईयर भी है। तो आज ऐसे गेम के बारे में बात करने वाले जिनका ग्राफिक्स 2D या 3D लेवल पे लेकिन भाई बहुत ही अच्छे और बहुत ही ज़्यादा लोगों ने इस गेम को पसंद किया है, प्यार दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। फर्स्ट गेम हमारे पास यहाँ पे है अनरावल। बहुत ही अच्छा गेम है। मतलब मैं ये ग्राफिकली है, मतलब एक मीडियम काइंड ऑफ ग्राफ है, लेकिन अब मतलब बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक यहाँ पे ग्राफिक्स देखने को नहीं मिल जाता। लेकिन इस गेम की स्टोरी और इस गेम का जो ग्राफिक्स है, फिर जो भी आप मतलब एक इमोशनल अटैच हो जाता है इस गेम के साथ, अगर आप गेम को खेलना स्टार्ट कर दो ना, बहुत ही ज्यादा मतलब आप एक बार स्टार्ट करो खेलते ही रह जाओगे जब तक गेम कम्प्लीट नहीं होता। तो बहुत ही अच्छा गेम है। यहाँ पे आप अपने मल्टीप्लेयर भी यूज कर सकते हो और अपने दोस्त के साथ भी खेल सकते हो। तो बहुत अच्छा गेम है। मतलब ऑनेस्टली कुछ सीन है यहाँ पे जहाँ पे आपको लगेगा कि भाई ये तो मतलब बहुत अच्छा ग्राफिक्स है। मैंने जब इस गेम का थोड़ा गेम प्ले देखा तो मुझे शायद रियल लगा कि इतना बुरा भी ग्राफिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता पाऊंगा कि विदाउट मतलब रियलिस्टिक ग्राफिक्स होते हुए भी गेम प्ले भी बहुत अच्छा है, स्टोरी भी बहुत अच्छी है और आपको यहाँ पे बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं हो जाएगा। सेकंड नंबर पे जो गेम है उस गेम का नाम है इट्स टेक 2। भाई बहुत ही बड़ा नहीं बोलूंगा लेकिन बहुत ही अच्छा और बहुत ही मतलब वाइज गेम है। यहाँ पे 2021 में इस गेम को गेम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था और उसी की वजह से बहुत सारे और भी इस गेम को अवार्ड मिले हैं। गेम का ग्राफिक्स अच्छा नहीं है, लाइक एनिमे जैसे एनिमेशन होता है नॉर्मली वैसे ही इसका ग्राफिक्स है, लेकिन इस गेम की स्टोरी हो गई या फिर इस गेम का साथ जो इमोशनली कनेक्शन होगा या फिर इस गेम में जिस तरह से मतलब अलग अलग जो भी मतलब विलन आते हैं या फिर जो वेराइटी ऑफ यहाँ पे एनिमेशन या फिर जो कैरेक्टर यहाँ पे दिखाया गया है भाई बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे लगेगा। तो आप ये गेम भी डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा ग्राफिक्स नहीं है, मतलब अल्ट्रा रेयर ग्राफिक्स नहीं है, लेकिन आपको ये गेम डेफिनेटली डिसअपॉइंट नहीं करेगा। थर्ड नंबर पे जो गेम है उस गेम का नाम है मिड इविल। भाई मतलब प्लेस्टेशन एक्सक्लूसिव गेम है, पीसी पे नहीं है, लेकिन गेम का ग्राफिक्स भी मतलब प्लेस्टेशन के कंपेयर के मैं बोलूंगा, जैसे कि नॉर्मली जो भी प्लेस्टेशन के गेम आते हैं उनका ग्राफिक्स बहुत ही अच्छा होता है, मतलब हाई बहुत ही लाइक अल्ट्रा रियलिस्टिक होता है, लेकिन इतना अल्ट्रा रियलिस्टिक है नहीं। लेकिन जो गेम की स्टोरी हो गई और जो इसका मतलब एनिमेशन या फिर जो कैरेक्टर का जो वॉइस हो गया या फिर जो विलन की जितने जैसे वेराइटी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पे आपको हर टाइप का विलन देखने को मिल जाएगा, लाइक 2000 मतलब भाई बहुत सही है। आप इसका गेम प्ले देखो यूट्यूब पे, मजा आ जाएगा। ग्राफिक्स अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी 3D ग्राफिक के साथ भी प्लेयर ने इस गेम को बहुत ज्यादा प्यार दिया है और अभी भी प्यार दे रहे हैं। फोर्थ नंबर पे जो गेम है हमारे पास वो है रिचर्ड एंड क्लैन। बहुत ही अच्छा गेम है। यहाँ पे प्लेस्टेशन एक्सक्लूसिव गेम हुआ करता था, लेकिन रिसेंटली ये गेम अभी पीसी पे भी पोर्ट हो चुका है और पीसी प्लेयर के लिए भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है इस तरह के गेम को एक्सप्लोर करने की। यहाँ पे 2D ग्राफिक्स के साथ मतलब एनिमेशन काइंड ऑफ मैं बोल सकता हूँ, जो आप कोई भी एनिमेशन देखते हो एनिमेशन मूवी देखते हो उसी की जैसे इसका ग्राफिक्स है, लेकिन स्टोरी हो गई यहाँ पे या फिर जिस तरह से आपको इमोशनली अटैच कर जाता है जब आप इस गेम को खेलते हो कैरेक्टर के साथ हो गए या फिर कैरेक्टर को जिस तरह से आप स्विच कर सकते हो, कैरेक्टर का जो डायलॉग हो गया, जो कॉमेडी इस गेम में भरी पड़ी है बहुत ही सही है। मोस्ट ऑफ द प्लेयर मतलब रिसेंटली जब ये पीसी के लिए अनाउंस किया था उस टाइम पे प्लेयर्स ने बहुत ज्यादा मतलब जो भी इस गेम को इस काइंड ऑफ गेम पसंद करते उसने बहुत ज्यादा मतलब इस गेम को प्यार दिया है और पहले से ही प्री ऑर्डर ऑलरेडी कर दिए थे। तो हाँ मैं बोल सकता हूँ गेम बहुत अच्छा है और आप ही डेफिनेटली चेकआउट कर। फिफ्थ नंबर पे जो गेम आता है वो इस गेम का नाम है क्रैश बैंडिकूट 4। भाई बहुत ही अच्छा और प्यारा गेम है। इससे इस गेम का जो कॉपी है वो अनचार्टेड की जो सीरीज है उस गेम में भी उन्होंने यूज किया था। अगर आप इनिशियल गेम स्टार्ट कर देता तो उस टाइम पे आपको ये गेम खेलना पड़ता है। तो इस गेम को अगर आपने मोबाइल पे टेंपल रन खेलते हो या फिर कोई भी जैसे रनिंग वाले गेम खेलते हो तो आपको ये गेम भी डेफिनेटली पसंद आएगा, एक्सेप्ट कि मोबाइल वाले वर्जन में आपको स्टोरी देखने को नहीं मिलता है और इस वर्जन में आपको बहुत ही अच्छी स्टोरी देखने को मिल जाता है विद 3D एनिमेशन मॉडल। भाई आपको बहुत अच्छा मजा आएगा, लिटरली आपको हर तरह के यहाँ पे लाइक डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है, हर तरह के आखिर बैकग्राउंड हो गया, मैं बैकग्राउंड नहीं बोल पाऊंगा लेकिन एक थीम है जो हर तरह के आपको थीम देखने को मिल जाएगा जहाँ पे आपको लैंड पे वाटर पे स्काई पे और एयर में ऐसे अलग अलग जगह पे आपको रनिंग करनी होती है और अपने गेम को कंप्लीट करना होता है। यहाँ तो ऑनेस्टली मैं बोलूंगा कि गेम बहुत अच्छा है, अगर आप डेफिनेटली 3D इस काइंड ऑफ गेम पसंद करते हो तो आप डेफिनेटली ये चेकआउट कर सकते हो। सिक्स नंबर पे जो गेम आता है उस गेम का नाम है द केना ब्रिज ऑफ स्प्रिट। भाई ये गेम मैंने पर्सनली खेला है, मेरे चैनल पे इसके गेम वॉक थ्रू भी है। तो गेम का जो ग्राफिक्स हो गया कुछ रियलिस्टिक ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल ग्राफिक्स है, जैसे आपको लगेगा आप एक कुछ कार्टून मूवी देख रहे हो वैसे ग्राफिक्स है, 3D ग्राफिक्स है,
देखिए इस गेम की जो स्टोरी हो गई, जिस तरह का इसका साउंड इफेक्ट हो गया, अगर आप इस गेम को एयरफोन लगा के खेलते हो तो आपका ध्यान कहीं और जाएगा ना, जिस तरह से इसके बैकग्राउंड साउंड हो गया या फिर इसका विलन है, जिस तरह से गेम की डिफिकल्टी आपको हर बार आगे आगे लेके जाती है। भाई बहुत ही अच्छा और प्यारा गेम है, और जिस गेम का जो लेवल हो गया या फिर जो एनिमेशन का एनिमी जिस तरह से आपको अलग अलग चैलेंज देता है वो भाई बहुत ही अच्छा है। आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो अगर आपका कुछ बजट है तो, इपिक पे और स्टीम पे सभी जगह आपको ये गेम मिल जाएगा। लास्ट हमारे लिस्ट पे जो गेम है उस गेम का नाम है द लेजेंड ऑफ जेल्डा। भाई रिसेंटली इस गेम ने कितना हाहाकार मचा दिया था यहाँ पे, जब मतलब ऑलमोस्ट हर जगह पीसी गेम के बारे में बात हो रही थी। और पर्सनली मैंने गेम इसके खेला नहीं क्योंकि मेरे पास वो निंटेंडो है नहीं और ये निंटेंडो एक्सक्लूसिव गेम है, तो मैंने इसके कुछ वॉक थ्रू देखे हैं। ऑनेस्टली गेम का मैं नहीं बोलूंगा कि कुछ 3D या फिर 3D मतलब 3D बोल सकते हैं, ग्राफिक्स है यहाँ पे लेकिन फिर भी कुछ रियलिस्टिक ग्राफिक्स नहीं है। लेकिन इस गेम के जो लेवल हो गए या फिर जो चैलेंज होते हैं, जो हर दिन के आपको जो नए नए टास्क मिलते हैं बहुत ही सही है। आपको इस गेम में बहुत ज़्यादा एंगेजिंग आपको बना के रख देते हैं कि आपको गेम पसंद आएगा और आपको इस गेम को एंगेजिंग बनाते रहते हैं। तो आप ये गेम डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो अगर आपको लॉन्ग टाइम में, अगर कुछ बजट नहीं है कोई एक गेम के साथ आपको कंटिन्यू करना है लॉन्ग टाइम के लिए, तो आप ये गेम डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो क्योंकि ऑनलाइन गेम है और आपको हर दिन नए नए चैलेंज देखने को मिलते हैं। तो ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।